मुख्यमंत्री बनता है और करता है फैसला ऑन द स्पॉट। एक भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी को पकड़कर उतनी ही तेजी से अपनी कार्रवाई को जोधपुर पुलिस ने अंजाम दिया। हाथ में टाइपराइटर, पानी में भी गवाही और हो गया फैसला ऑन द स्पॉट। तेज गति से कार्रवाई में जुटे ये देवास की लोकायुक्त पुलिस है, जिसे सूचना मिली कि ट्रक दुर्घटना के मामले में चालान पेश करने के लिए सिटी कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेश खटीक रिश्वत मांग रहा था। और जब कार्रवाई के लिए लोकायुक्त पुलिस पहुंची तब बिल्कुल नायक स्थाई में नजर आई। आरक्षक रंगे हाथों पकड़ा गया और लोकायुक्त ने मौके पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया। टाइपराइटर ने खड़खड़ाना शुरू किया और फैसला हो गया। दरअसल लोकायुक्त सोनकक्ष निवासी मालिक हुकुमचंद पाटीदार ने आरक्षक द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। उसके बाद ही लोकायुक्त पुलिस सक्रिय हो गई। नायक पैटर्न पर इस कार्रवाई को अंजाम देने लोकायुक्त पुलिस आइसक्रीम पार्लर पहुंचे और जैसे ही आरक्षक ने बतौर रिश्वत दिए जा रहे पाउडर लगे नोट पकड़े, पुलिस ने उसे घर दबोचा और बगैर वक्त गंवाए मौके पर ही रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को सजा भी सुना दी। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। वाकई में फिल्मी स्टाइल में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज संवाददाता, देवास का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, लगता है जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है लोकायुक्त पुलिस की टीम ने, लगता है कि पहले से तैयार थे, सब कुछ उनके पास मौजूद था कार्रवाई करने के लिए। जी बिल्कुल, जल्दी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकायुक्त ने पुलिस कर्मी को जो है रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, पूरी तैयारी से जो है इसे पकड़ा गया और 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मात्र चालान पेश करने के नाम पर एक ट्रक का स्क्रैच हुआ था देवास में, जिसके बाद उसी का चालान पेश करने के लिए 5,000 रुपए मांगे जा रहे थे। खास बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस समय कार्रवाई हुई जो आईपी से भी मधु कुमार वो भी देवास में खानों का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, और ऐसे समय में पुलिस कर्मी द्वारा आरक्षक राजेश खटीक ने जो है रिश्वत की मांग की और तुलसी पार्लर पर ये जो है आरोपी पुलिस कर्मी धरा गया। बिल्कुल, आज अमिताभ इसमें एक सवाल यह है कि आइसक्रीम पार्लर पर बुलाया गया था रिश्वत का लेन देन करने के लिए, तो क्या लोकायुक्त पुलिस की टीम भी वहां पार्लर के आसपास थी? बिल्कुल, लोकायुक्त पुलिस ने जो है रंगे पूरी इस कार्रवाई का हिस्सा माने जाते हैं, जिससे की रिश्वत सभी रंगे हाथों और जो है पेंट में से जो है पैसे निकलवा
धुलवाए गए वो तुरंत जो है जैसे ही उनके हाथ धुलवाए गए तो हाथों ने रंग छोड़ दिया और जिससे साबित हो गया जो है पुलिस कर्मी द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत के बतौर मांगे गए थे। बिल्कुल अमिताभ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आइसक्रीम पार्लर, चाय की दुकान और ये तमाम ऐसे अब रिश्वतखोरी के अड्डे बनते जा रहे हैं। इससे पहले भी भोपाल में कुछ दिनों पहले एक शिक्षा कर्मी ने चाय की दुकान पर रिश्वत मांगी थी और लोकायुक्त पुलिस ने चाय की दुकान से उसे भर दबोचा था। तो कहना होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लोकायुक्त पुलिस लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। खासकर